नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीटीवी 24 न्यूज चैनल। दिन की छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीटीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आइए देखते हैं रामजी मिश्रा जिला ब्यूरो चीफ के साथ गौतम मौर्य की खास रिपोर्ट। थाना फकरपुर के सिपाही रविंद्र चौधरी के द्वारा पत्रकार अवधेश कुमार को दी गई धमकी। सीटीटीवी 24 न्यूज चैनल के सहायक ब्यूरो चीफ अवधेश कुमार को दी गई धमकी। थाना फकरपुर सिपाही के द्वारा पत्रकार को दी गई धमकी। पत्रकार ने खटखटाया उच्च अधिकारियों का दरवाजा। उच्च अधिकारियों ने दिया जल्द कार्रवाई का आश्वासन। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ गुरु जी नमस्कार। गुरु जी तो नहीं है इसमें। जी जी, मतलब इनसे बात करनी है। जी जी सर, डीआईजी साहब कौनसा से बात कर रहे हैं? हाँ, डीआईजी देवी पाटन बोल रहा हूँ। जी जी सर, मैं जो है सीटीटीवी 24 न्यूज चैनल से सर जिला ब्यूरो चीफ बहराइच बोल रहा हूँ। बोलिए सर। आज एक समस्या मेरे सामने आ गई कि मतलब जो है हम कवरेज करके वापस आ रहे थे तो ये थाना फखरपुर क्षेत्र के एक सिपाही हल्का नंबर 2 के हैं, जो कि मैं हल्का नंबर 3 में कवरेज करने सर गया था। तो महोदय हल्का नंबर 2 के सिपाही हैं राजेंद्र चौधरी। तो सर उन्होंने रास्ते में रोक करके जो है बहुत ज्यादा मतलब बेइज्जत कर दिया हमें और बहुत मतलब उल्टा सीधा। आपसे दुश्मनी है क्या? नहीं सर, दुश्मनी नहीं है। मिट्टी की खनन, महोदय मिट्टी की खनन जो है परसों हो रही थी सर, उसकी खबर चला दी थी, इसी के रजिस्टर जो है सर बहुत ज्यादा उल्टा से सर बोल गए। अपना शिकायती प्रार्थना पत्र दे दीजिए कप्तान साहब को। जी भाई साहब जी, तो सब जाने तो सर इनसे थोड़ा हमें दिक्कत हो रही है ज्यादा कवरेज करने में। क्या चाह रहे हैं हमसे वो बताइए। महोदय बस गुरु जी आपसे यही कहना है मेरा कि अगर ये थाना फकरपुर में है सर तो हमारे लिए दिक्कत भी पैदा कर सकते हैं अगर हम कवरेज कोई करते हैं, जो कि जिस प्रकार से आज इन्होंने मुझसे बात किया। भैया अपना शिकायती प्रार्थना पत्र दे दीजिए, जांच करा करके जो सही होगा वो कार्रवाई हो जाएगी। हेलो 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 सर नमस्कार। जी नमस्कार भाई साहब, मैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल से जिला ब्यूरो चीफ बहराइच बोल रहा हूँ। गुरु जी 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 बताइए भैया, क्या हाल है? ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। आज एक थाना फखरपुर के सिपाही हैं रावेंदर, ये महोदय थोड़ा कवरेज मेरे करने में दखलंदाजी दे रहे हैं। आज हमें बहुत डाके गुके हैं रास्ते में रोक करके। हाँ सर, तो इनसे सर हमें बहुत ज्यादा दिक्कत मतलब हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अच्छा जी, अभी मैंने एक खबर चलाई थी जो है कवरेज करके, तो सर उसी के पीरियड में काफी मतलब जाके जूते सर काफी मतलब मुझे दिक्कत दे रहे हैं कवरेज करने में। एक बार ऐसे मेरे साथ और भी हो चुका है इनके द्वारा। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, हाँ गुरु जी नमस्कार। गुरु जी तो नहीं है इसमें। जी जी, मतलब इनसे बात करनी है। जी जी सर, डीआईजी साहब कौनसा से बात कर रहे हैं? हाँ, डीआईजी देवी पाटन बोल रहा हूँ। जी जी सर, मैं जो है सीटीटीवी 24 न्यूज चैनल से सर जिला ब्यूरो चीफ बहराइच बोल रहा हूँ। बोलिए सर। आज एक समस्या मेरे सामने आ गई कि मतलब जो है हम कवरेज करके वापस आ रहे थे तो ये थाना फखरपुर क्षेत्र के एक सिपाही हल्का नंबर 2 के हैं, जो कि मैं हल्का नंबर 3 में कवरेज करने सर गया था। तो महोदय हल्का नंबर 2 के सिपाही हैं राजेंद्र चौधरी। तो सर उन्होंने रास्ते में रोक करके जो है बहुत ज्यादा मतलब बेइज्जत कर दिया हमें और बहुत मतलब उल्टा सीधा। आपसे दुश्मनी है क्या? नहीं सर, दुश्मनी नहीं है। मिट्टी की खनन, महोदय मिट्टी की खनन जो है परसों हो रही थी सर, उसकी खबर चला दी थी, इसी के रजिस्टर जो है सर बहुत ज्यादा उल्टा से सर बोल गए। अपना शिकायती प्रार्थना पत्र दे दीजिए कप्तान साहब को। जी भाई साहब जी, तो सब जाने तो सर इनसे थोड़ा हमें दिक्कत हो रही है ज्यादा कवरेज करने में। क्या चाह रहे हैं हमसे वो बताइए। महोदय बस गुरु जी आपसे यही कहना है मेरा कि अगर ये थाना फकरपुर में है सर तो हमारे लिए दिक्कत भी पैदा कर सकते हैं अगर हम कवरेज कोई करते हैं, जो कि जिस प्रकार से आज इन्होंने मुझसे बात किया। भैया अपना शिकायती प्रार्थना पत्र दे दीजिए, जांच करा करके जो सही होगा वो कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है।